वो घड़ी आ गई और मुझे ही नहीं और बहुत से लोगों को इस मूवी का इंतजार था, वो घड़ी आ गई और इसके बाद जो हुआ इस मूवी को देखने के बाद तो मैं तो मन यही बोला सर ये तो टट्टी है। दोस्तों अब हम लोग आते हैं इस मूवी के विषय में। 8 साल लगाने के बाद 8 साल 410 करोड़ आज आपके साथ में बॉलीवुड के टॉप स्टार अमिताभ बच्चन, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, शाहरुख खान, नागार्जुना, इतने लोगों के होने के बाद भी अगर इस फिल्म की जगह आप टट्टी बनाते हो तो आपसे क्या आशा की जा सकती है। तो कल ये मूवी रिलीज हुई और रिलीज होने के बाद जो लोगों का रिएक्शन एक ही था, सर ये तो टट्टी है। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों जैसे ये मूवी रिलीज हुई लोगों को तो बॉयकट करना ही था इस मूवी को, क्योंकि क्यों बॉयकट करना था, कारण इसका है करण जौहर, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, ये 3 मेन कारण इस मूवी को बॉयकट करने का था। तो जितने लोगों ने इतने दिन तक इंतजार किया वे लोग एक्शन में आ गए और इनके इस मूवी की जो अगेंस्ट में जो मुहिम चलाई जा रही थी बॉयकट का, वो मुहिम भी अपने फॉर्म पे आ गया और इसका नतीजा ये हुआ कि मूवी का जो कलेक्शन है फर्स्ट दिन का कलेक्शन वो बिल्कुल ही खत्म हो गया। ज्यादा ये मूवी कलेक्शन नहीं कर पाई। हाँ, ये इस मूवी के जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर की तरफ से दिखाया जा रहा था कि हमारे पास लगभग 1 लाख से ज्यादा जो है एडवांस सीट बुकिंग हो चुकी है, लेकिन वो सीटें वही थी जो फेक बुकिंग जो बोलते हैं, मतलब कि जो कॉर्पोरेट बुकिंग होती है वही बुकिंग थी। तो नतीजा निकल के क्या आया कि ये फिल्म जो है पहले दिन से ही ध्वस्त हो गई। जो लोग इस मूवी को देख के निकल के आए तो उनका तो आधा वो मतलब पागल हो चुके थे। और जो मूवी देखने वाले हैं उन्होंने पहले ये हाथ खड़े कर दिए हैं। तो इसको बनाने के पीछे क्या कारण रहा होगा ये तो करण जौहर जाने, क्योंकि उनके पास में पैसे तो बहुत है, वो पैसे कहीं भी इधर उधर वेस्ट कर सकते हैं अब। लेकिन इसको फ्लॉप करने का क्या कारण है वो मैं आपको बता सकता हूँ। तो फ्लॉप करने का सबसे पहला कारण जो है ये करण जौहर खुद ही है, जो कि सुशांत सिंह राजपूत के मरने के बाद मतलब और नेपोटिज्म को लेके और अपने अनाप शनाप बयान को लेकर करण जौहर ने लोगों से एक दूरी बना ली। इनकी मूवी में कंटेंट तो पहले भी टट्टी होता था लेकिन लोग उसको भी देखते थे, लेकिन अब लोगों ने इनकी टट्टी देखना बंद कर दिया है। गजब बेइज्जती है। करण जौहर का नाम जिस मूवी के साथ में लगेगा वो मूवी फ्लॉप होगी और इसका भी हाल यही हुआ। अब आते हैं रणबीर कपूर। इसका सबसे सेकंड मेजर कारण है क्योंकि इस बंदे को गाय का मांस खाना पसंद था। ये मूवी रिलीज होने के पहले एक वीडियो इसका वायरल हो गया, गाय के मांस बहुत पसंद है, कारण लोगों ने इनको महाकाल के मंदिर उज्जैन के मंदिर से भी इनको भगा दिया। लोगों का गुस्सा है क्योंकि भैया हम लोग हिंदू है, हम गाय की पूजा करते हैं और तुम इस गाय का मांस अगर तुम हिंदू हो के पसंद है पसंद था तो लोग हम लोग पसंद नहीं करेंगे। नेक्स्ट आते हैं आलिया भट्ट। आलिया भट्ट की जो ननद है करीना कपूर, एक बार करीना कपूर ने भी कहा था जिसे देखना है मेरी मूवी देखो, जिसे नहीं देखना नहीं देखो। क्या हुआ, लोगों ने लाल सिंह चड्ढा को खत्म किया। सेम गलती आलिया भट्ट ने भी की कि जिसे पसंद है देखो, नहीं पसंद है मत देखो, लोगों ने उनकी बजा दी। तो दोस्तों ये तो 3 मेजर कारण हो गए इस मूवी को फ्लॉप करने के, लेकिन क्या कोई मूवी केवल इसी कारण से फ्लॉप होती है? तो नहीं दोस्तों, अगर ऐसा आप मानते हैं तो आप गलत मानते हैं। मूवी चलती या फ्लॉप होती है 90% अपने कंटेंट की वजह से। क्या कहानी आप लिखते हो, कैसा प्रेजेंटेशन करते हो, अगर आप केवल VFX दिखा दोगे तो इसका मतलब ये नहीं कि वो फिल्म हिट होगी। उसके पीछे में एक कहानी होनी चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। VFX तो आजकल सब मूवी में आती है, आपने हॉलीवुड की इतनी मूवी देखी होगी, एक्सपेरिमेंट से देखिए हॉलीवुड की मूवी तो बिना VFX के बनती नहीं है आजकल के समय में और इंडियन में, लेकिन VFX के पीछे भी कहानी होनी चाहिए। आपने अवतार मूवी देखी होगी, कंप्लीट VFX, एक्समैन है, उसके बाद एवेंजर सीरीज की मूवी, इतना हाई क्लास टॉप क्लास VFX होता है, लेकिन उसकी स्टोरी लाइन होती है। जिस मूवी की स्टोरी लाइन नहीं होती है तो उसमें VFX जो है कोई काम नहीं होता है। VFX का भी अगर आप खाना ही नहीं खाओगे तो हगोगे क्या बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। तो यहाँ पास यही हुआ है कि VFX के नाम पे बहुत अनाप शनाप दिखाया गया है, ये सोचिए दिखाने से मूवी हिट होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज इस मूवी का दूसरा दिन है और मैं आज भी बोलूंगा कि आज का जो कलेक्शन शाम तक मैं आपको बताऊंगा और रिएक्शन भी बताऊंगा, लेकिन ये मूवी अब आगे चलने वाली नहीं है। सभी सनातनी भाइयों को मेरी तरफ से मैं बधाई देना चाहता हूँ। लाल सिंह चड्ढा, दोबारा, इसके अलावा रक्षाबंधन, शमशेरा और ब्रह्मास्त्र, 5 मूवी जो है हम लोगों ने इसको जमीन में धूल चटाया है और आगे भी चटाते रहेंगे।
मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आपकी क्या राय है कमेंट में बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके हिम्मत बढ़ाइए, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब नहीं होने से हिम्मत कहीं ना कहीं खत्म हो जाती है। पीछे फोटो में जल्लाद कौन है? ये जल्लाद नहीं, ये मेरा बाप है और मैं इसका बाप हूँ। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।